वालेकुम। नानक दस्ता खान से नानो की किचन से प्यारे प्यारे बहनों को प्यार भरा सलाम। इस बाबरकत महीने के सदके, इस बाबरकत महीने के तोफैल, इस प्यारे मोहम्मद पर जिन पर हम लाखों करोड़ों दरूद सलाम भेजते हैं, उनके नाम से ही बाबरकत महीने में जिन्होंने हमारे खानों में, हमारे हर चीज़ में ऐसी बरकतें हैं, रहमतें हैं, हमारा दस्तरखान अल्लाह ने सजा दिया। ये बाबरकत महीने बहुत ही खुशियों वाला, मसरतों वाला और हर तरफ एक फ़ज़ा में प्यारी सी खुशबू दरूद व सलाम की चल रही है। उसके बरकत के नाम से, अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह रहमान करके शुरू करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सा एक सलाद बना रही हूँ, मगर वो है चाट सलाद। उसमें बहुत ही स्पेशल सी चीज़ें डलेंगी जिनके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं पहले बता दूँ। ये मैंने कोकम्बर काट के, खीरे काट के रखे हैं, एप्पल काट के रखा है, ऑरेंज काट के रखा है, आड़ू काट के रखा है, और मुझे अभी वाइट कैन भी इसमें डालना है मुझे चने के, वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं अभी सब मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैंने कोकम्बर डाल लिया साथ, ठीक है, मैंने कोकम्बर मिक्स कर लिया, मैंने एप्पल मिक्स कर लिया, ये सब सैलेड की आप चाट सलाद सलाद चाट बना रही हैं, फ्रूट की सलाद चाट बना रही हूँ। ये बनाइए, खाइए, बहुत ही मज़े का होता है और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ये ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब मुझे क्या डालना है इसके अंदर, ये कैन डालना है इसका, थोड़ा सा पानी। ये देखिए, ये कैन चिक पीस का है, वाइट चने जो मैं बालती नहीं हूँ, मैं कैन यूज करती हूँ। देखिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें डालिए वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े की है सैलेड चाट। ये देखिए, ये लेमन, मैं लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ लेमन फ्लेवर सीजनिंग के मेरे पास है बॉटल, तो मैं ये डालूँगी, ये 2 स्पून में डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, शुगर 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, और मैं क्या स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ, चाट मसाला, ये देखिए 1 स्पून, क्योंकि ये सलाद चाट है तो इसमें चाट मसाला जाना ज़रूरी है। और एक बहुत ही अहम चीज़ क्या डालेगी, काला नमक, नमक नहीं डाल के इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, ठीक है। ये अब मैं सबको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कितने मज़े की बनती है। अब ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सलाद चाट ज़रूर बनाइए, फ्रूट के हैं, सीज़न में जितने भी आपको फ्रूट मिले सारे डालिए, और उसके साथ आपको वाइट चने डालने होंगे। टेस्ट में लाजवाब, और हमेशा की तरह जो मैं हमेशा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में अपनी चीज़ें आपको बनाना सिखाती हूँ वो बना के दिखा रही हूँ आपको, कि आप लोग इंजॉय कीजिए। और इस बाबरकत महीने में सबके लिए दुआएं कीजिए, दरूद का इस्तेमाल कीजिए, और खाना अच्छा अच्छा बना के, प्यारे मोहम्मद का महीना है, अपने बच्चों को भी खुश करिए और अपने दिल को भी खुश करिए। और हमेशा की तरह मैं फिर आज कहूँगी कि खाना बहुत ही दिल लगा के, बहुत ही अच्छे से खुश होकर बनाइएगा, तो खाने में हमेशा बहुत ही लज्जत और बरकत होगी। ये देखिए, मैंने सैलेड बना लिया, अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ा सा। मैंने ये लेमन के ऐसे ये किया था, उसको ऐसे फ्लेवर करके ना, ये देखिए ऐसे मैंने डेकोरेट कर लिया। ये देखिए, ये मैंने सैलेड बना लिया, खाने में मज़ेदार, लज्जत, बहुत आसान, बहुत ही क्विक। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दुआओं में याद करिए, और हमेशा की तरह कहूँगी कि बड़ों का ख्याल करिए, बड़ों का अदब करिए, बड़ों की इज्जत करिए, छोटों से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।